Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with an equation. We have to calculate V naught in the given circuit. There are two sources given with different frequencies. अब इस सर्किट में देखो ध्यान से, दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सोर्स है. इसमें ओमेगा की वैल्यू 5 है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसमें ओमेगा की वैल्यू 10 है. और ये देखो इसमें साइन है, ये कोस है, ठीक है. दोनों अलग अलग हमारे सोर्स हैं. जब ऐसा आए तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है. जब अलग अलग सोर्स फ्रीक्वेंसी के ज्यादा सोर्स आ जाए, ठीक है, सर्किट में, तो हम क्या यूज करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, या अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हो, सुपरपोजिशन थ्योरम. ये क्या कहती है, हम जिसके जो भी हमसे करंट या वोल्टेज जिस एलिमेंट के एक्रोस पूछा गया है, हम एट ए टाइम वन सोर्स को ही लेंगे, ठीक है. वोल्टेज सोर्स को लेंगे तो करंट सोर्स को ओपन, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं. तो हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों अलग अलग सोर्स की वजह से अलग अलग रेस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे. तो मैं सबसे पहले लेता हूँ ये वाला सोर्स, ठीक है. दो केस हमारे पास दो सोर्स हैं यहाँ पे, तो दो बार दो केस बनेंगे इसमें, ठीक है. केस वन, वोल्टेज सोर्स को लेंगे, ठीक है. टेक वोल्टेज सोर्स, जब वोल्टेज सोर्स लेंगे तो करंट सोर्स को ओपन करना, ठीक है. जब करंट सोर्स लेंगे तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है. वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन. तो मैं पहले इस वाले केस को ले रहा हूँ, तो इस वाले इस वोल्टेज की वजह से मैं इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करूंगा, ठीक है. ऐसे ही इस वाले दूसरे केस में क्या करूंगा, इसको शॉर्ट कर दूंगा, इसकी वजह से इसमें वी नॉट फाइंड करूंगा. दोनों को क्या कर दूंगा, दोनों केसेस के वोल्टेज को ऐड कर दूंगा. तो पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, वो कैसे दिखेगा. ये 30 साइन 5t इतने वोल्ट, ठीक है. ये 8 ओम, ये वी नोट है 0.2 फेरेड, ये है 1 हेनरी. करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन करना, ठीक है. ओपन कर दिए. अब क्या करेंगे, देखो ये इनको क्या करते हो, पहले इनका इम्पीडेंस फाइंड कर लो. मैं इसको कहता हूँ ZC, इसको कहता हूँ ZL. तो ZC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो कितनी होती है, 1/j ωC. यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, इस वाले इसमें. तो और C की वैल्यू है 0.2, 1/j ओमेगा की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 0.2. ये हो जाएगा 1, ऊपर जाके माइनस J. ऐसे ZL फाइंड करो, इस वाले का इम्पिडेंस jωL होता है, jωमेगा की वैल्यू 5 और ये इतना इतने ओम, ठीक है. तो इसका इम्पीडेंस है -j1 ओम और इसका इम्पीडेंस है j5 ओम. अब मैं क्या करूंगा, मुझे वी नोट कैलकुलेट करना है पहले केस में, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वी नोट ही होगा, देखो सेम ही है, पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, इसके अक्रॉस भी वी नोट ही होगा. तो क्या करूंगा, मैं KCL लगाता हूँ. KCL लगाओ, इस वाली ब्रांच में करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें ऐसे, तो कितना होगा, इसको मैं 30 एट एन एंगल ऑफ जीरो, ठीक है, फेजर में लिख लिया. लगाओ KCL, 30 एट एन एंगल ऑफ जीरो माइनस वी नोट अपॉन 8 इजिकल्स टू, ये वाली करंट आ रही है, ये दोनों जा रही हैं, वी नोट अपॉन -j1 प्लस वी नोट अपॉन j5, ठीक है. यहाँ से वी नोट की वैल्यू फाइंड करो पहले केस के लिए. मैं क्या करता हूँ, 8 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 30 एट एन एंगल ऑफ जीरो माइनस वी नोट, ये माइनस जे ऊपर जाएगा प्लस जे हो जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, j8 नोट वी नोट, ये जे ऊपर जाके माइनस जे हो जाएगा, 8/5 वी नोट. वी नोट को इधर ले गया मैं, तो कितना आ जाएगा, ये 30 एट एन एंगल ऑफ जीरो अपॉन ये 1 प्लस जे, ये कितना बचेगा, वी नोट तो मैंने वो ले लिया, माइनस 1.6 वी नोट. ये आ गया 30 एट एन एंगल ऑफ जीरो 1 प्लस, ये कितना बचेगा, जे 8 माइनस 1.6, ये बचेगा 0.4 और 7 में से गया इतना, ठीक है. तो इसको आगे सोल्व करो, कितना आएगा वी नोट की वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट होके, वो आएगी, इसको मैं इसका फेजर फाइंड कर लेता हूँ.
वन प्लस जे इसको कितना आएगा, इसका वो 6.48111 डिग्री, ठीक है। इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 4.63 एट एन एंगल ऑफ, ऊपर 0 डिग्री है, ये नेगेटिव माइनस हो जाएगा एंगल, ठीक है। ये क्या इस वाले वोल्टेज की सोर्स की वजह से हमने निकाल लिया, ठीक है। अगली बार आप क्या करेंगे, करंट सोर्स की वजह से निकालेंगे, और दोनों को लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे केस टू, जब करंट सोर्स लेंगे, ठीक है। व्हेन करंट सोर्स इज टेकन, जब करंट सोर्स लेंगे क्या होगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना, इसको शॉर्ट कर देंगे, अब इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, वोल्टेज सोर्स को ओपन कर देना, अब सोर्स शॉर्ट कर देना, बस 8 ओम, इसकी वी नोट ये 0.2 फेरेड, ये 1 हेनरी, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो दे रखा है वो क्या है, 2 cos 10t इतने एम्पियर का, ठीक है। अब हमें वी नोट फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू इसमें कितनी है, ओमेगा का टू 10 है, तो इस वाले ओमेगा 10 की वजह से इसमें इम्पीडेंस फाइंड करो, तो मैं पहले जेड सी फाइंड कर रहा हूँ, 1/j ωc होता है, ठीक है, 1/j ω की जगह 10 और सी की जगह 0.2, ये हो जाएगा 2, यानी -j 0.5, ऐसे जेड एल कितना हो जाएगा, जे ओमेगा एल, तो जे ओमेगा की जगह 10 है, एल की जगह 1, यानी j 10 ओम, इसकी वैल्यू आई है -j 0.5 ओम, और ये j 10 ओम। अब क्या करूंगा मैं, अगेन वी नोट फाइंड करना है मुझे, तो यहाँ पे वी नोट होगा, ठीक है, और ये भी वी नोट होगा, तो लगाओ ये करंट ऐसा आ रही है, मैंने मान लिया इन वाले तीनों ब्रांच में करंट जा रही है, ठीक है, तो लगाओ, जब KCL लगाऊंगा तो क्या आएगा, इसको मैं लिख लिया 2 at an angle of 0, ठीक है, तो 2 at an angle of 0 कितना होगा, ये 2 at an angle of 0 ये करंट आ रही है, तो ये करंट जा रही है, ठीक है, तीनों V0 upon J10, V0 upon -J 0.5 और V0 by 8, ठीक है। V0 मैंने यहां से कॉमन लिया, क्या बनेगा देखो, 2 at an angle of 0, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर देखो जाके -J 0.1, ये हो जाएगा माइनस जे, हो जाएगा प्लस जे जे टू, और ये हो जाएगा 1/8, 2 at an angle of 0 कितना आ गया, ये 1/8 प्लस ये हो जाएगा J 1.9, 2 at an angle of 0 ये कितना, 1/8 कितना होता है 0.125 प्लस J 1.9। वी नोट इज इक्वल्स टू, इसको चेंज करो नीचे वाले को फेजर में, ये कितना आएगा 0.125 का स्क्वायर प्लस 1.9 का स्क्वायर, और देन उसका स्क्वायर रूट देगा मुझे 1.9। मैं इसको पूरे को सोल्व करके लिख दे रहा हूँ कितना आएगा आंसर, इसका इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 2, यह आएगा 1.051, ठीक है। इसका तो ये एम्पलीट्यूड आ गया, इसका एंगल कितना आएगा, इसका निकाल के नेगेटिव कर दो क्योंकि ऊपर 0, 10 इनवर्स 1.9 डिवाइड बाय 0.125, ये क्या देगा 86.23, ये हो जाएगा माइनस का ऊपर जाके इतने डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पे जो रेफ इसकी वजह से कैलकुलेट किया था, वहाँ पे रेफरेंस क्या था हमारा, साइन, ठीक है, साइन 5t, तो इसको मैं साइन टाइम डोमेन में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 4.63 साइन 5t, एंगल कितना है 81.11 डिग्री, इतने वोल्ट। इसको भी इसमें चेंज करो टाइम डोमेन में, ये कितना आया, इसमें देखो क्या कोस 10t रेफरेंस, तो 1.051, इसका एम्पलीट्यूड कोस 10t कितने का एंगल शिफ्टेड 86.23 डिग्री। अब क्या करूंगा मैं, इतने वोल्ट दोनों टोटल जो भी होगा, टोटल वी नोट जो होगा वो क्या होगा, दोनों का सम, इन दोनों का बस सम करके लिख दो, 4.63 साइन 5t माइनस 81.11 डिग्री प्लस 1.051 कोस
टेन टी माइनस 86.23 डिग्री, ठीक है, इतने वोल्ट। तो ये फाइनल हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ही सुपरपोजिशन थ्योरम हम यूज करते हैं जब दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या तीन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सोर्स आ जाएं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।